क्या बात है बोल। रजा आप ये कैसे बात कर रहे मुझसे, आपके लहजे में इतनी तलखी क्यों है? शाबाश मुश्क, तुम अभी मुझसे ये सवाल कर रही हो। लेकिन इर्तिजा इस सारे मामले में मेरी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज मुझसे आके मिले, मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ, आप फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। ठीक है, मैं जरूर तुमसे मिलूं। तुम बस मेरे चंद सवाल का पूरी दयानतदारी से जवाब दे दो। कल रात कहाँ थी? देख लो मुश्क, तुम्हारे सारे ख्वाबों को, ख्वाहिशों को, मुझे नीचा दिखाने की तुम्हारी सारी हसरतों को मैंने किस तरह पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। मैं नोमी के घर थी, लेकिन मैं वहां खुद नहीं गई थी, मैं वहां जाना नहीं चाहती थी, सहबा मुझे लेके गई है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम खुद वहां गई थी अपनी मर्जी से, छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि सहबा ने तुम्हारी उंगली पकड़ी हो तुम्हें वहां ले गई। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसे नहीं कहे, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने तुम्हें सहबा से मिलने से, उसे बात करने से, उसका फोन तक रिसीव करने से मना किया था, फिर क्यों मिली तुम उससे? और यहां तक कि तुम सहबा के साथ नुमान के घर तक चली गई। और अगर तुम इतनी ही सच्ची और मासूम हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे घर में से किसी को पता था कि तुम बाहर जा रही हो? बोलो मुश्क, तुम्हारे घर में किसी को पता था कि तुम सहबा के साथ नुमान की डांस पार्टी में जा रही हो? तुम तो घर से सैलून का केके निकली थी ना, और इस्माइल साहब ने तुम्हें खुद वहां पर ड्रॉप किया था, फिर तुम वहां से नुमान के घर तक कैसे पहुंचे? इर्तिजा, बस यही है आपकी मोहब्बत, बस ये था आपको अपनी मुश्क पे एतबार। जरा सी आंधी चली, घर दुनिया और आपके सारे एतमाद एतबार के दिए बुझ गए। इतना कमजोर था आपकी मोहब्बत का जज्बा मेरे लिए। मुश्क, मुझे खड़ा रहने के लिए पैरों तले जमीन की जरूरत है। तुम्हारी ये हवा में तैरती जज्बाती बातें मुझे किसी किस्म का एहसास दिलाने में नाकाम है। हकीकत यह है कि तुम पूरी रात घर से बाहर थी और सहबा अपने घर। हकीकत यह है कि तुमने अपने घर वालों से झूठ बोला, उनको मिसगाइड किया। और ऐसा सिर्फ वो शख्स करता है जिसके दिल में खोट हो, बेमानी हो। और किस एतबार की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने खुद रेजा रेजा करके हवा में उड़ा दिया? एतिजा, आप मेरा एतबार करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि मैं घर से झूठ बोल के नहीं गई थी, सहबा ने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे ट्रैप किया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितनी पाकीज़ा मैं अपने घर से निकलते वक्त थी, उतनी ही पाकीज़ा मैं आज भी हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह करेंगे? मेरे पेरेंट्स ने इस रिश्ते से हाथ उठा लिए, अब वो नहीं चाहते कि तुम इस घर की बहू बनो। और आप, आपका दिल क्या कहता है? दिल नामी चीज से एतबार उठ गया है, और जिस चीज से एतबार उठ जाए
फिर कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यकीनी और बेयकीनी के दलदल में खड़ी हूँ, मेरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता दलदल में धंसता चला जा रहा है। जब तक मैं पूरी तरह से इसमें दफन नहीं हो जाती, इतना मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम ही तो थे खैर।